लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म गुलाबों सिताबों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वह इन दिनों सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपनी पुरानी फिल्मों से जुड़ी यादें और तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। हाल ही में अभिषेक बच्चन ने पिता की फिल्म के सेट से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया। अभिषेक बच्चन ने बताया कि जब वे फिल्म पुकार के दौरान सेट पर गए थे तो उनकी हरकतों की वजह से उन्हें वहां से भगा दिया गया था। अभिषेक बच्चन ने बताया कि फिल्म के सेट पर उन्होंने शैतानी की थी जिस वजह से उन्हें वहां से भगा दिया गया था। उस समय अभिषेक बच्चन 5 या 6 साल के रहे होंगे। फिल्म के सेट पर तलवार देखकर अभिषेक इतना खुश हो गए कि उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने क्लाइमेक्स से पहले ही तलवार तोड़ दी थी। अभिषेक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर की जिसके साथ उन्होंने लिखा, दो बचपन के दोस्त के साथ में फिल्म बनाना चाहते हैं। जब से उन्हें उनके पिता की फिल्म के सेट से बाहर निकाला गया था, ऐसा प्रूफ्स तोड़ने की वजह से किया गया था क्योंकि 5 से 6 साल के हम नकली तलवार देखकर एक्साइटेड हो गए थे। अभिषेक ने आगे बताया कि फिल्म पुकार के निर्देशक गोल्डी बहल के पिता रमेश बहल थे और मेरे पिता फिल्म के लीड हीरो थे। गोवा में क्लाइमैक्स सीन शूट के दौरान नकली तलवार हमारे हाथ पड़ गई और फिर हमने खेलना शुरू कर दिया जिस वजह से तलवार टूट गई। फिर हमें वहां से भगा दिया गया था। 19 साल के बाद हमने पहली फिल्म साथ में की।